उन देश पर 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। रांची महानगर के बड़ा तालाब से जो शव बरामद किया गया है उनकी पहचान अब हो चुकी है। परिजनों ने पहचान की है। युवक का नाम लारे वारिफ, पिता अकरम आरिफ जो सहबाग हरमू रोड के निवासी हैं। वह 31 दिसंबर रात से गायब थे और परिजनों के द्वारा लगातार पुलिस में आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई जा रही थी, लेकिन खोजबीन नहीं हो पाई और अंततः जो है युवक का शव बड़ा तालाब से बरामद किया गया है, जिसके बाद से परिजन में काफ़ी रोष है और परिजन थाना की ओर गए हैं। और इस मामले में परिजनों के द्वारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनकी सहायता नहीं की गई है और उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि मेरा बेटा का हत्या हुआ है और इस मामले में पुलिस के द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं परिजन, सुनिए। कि माँ से बात करूँगा कि आखिर 5 दिन 6 दिन से खोजने के बाद आज उसकी डेड बॉडी मिली है, क्या उसकी माँ का क्या कहना है आपका? कहना कुछ नहीं है, यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग को जो समझ में आएगा वही करेंगे, क्योंकि अब कुछ नहीं कहना। प्रशासन, पुलिस प्रशासन ही लोग हैं, कोई काम काज भी नहीं। तो पुलिस की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। खाली टाइम लॉस हुआ है, लोग हमको सुन रहे हैं, तो कोई और लेडी हो तो घंटा से मार के निकालता। पुलिस सिर्फ पल्ला झाड़ने का काम की है। नगर थाना में गए, वहाँ भी बोले ठीक है, झूठ लगा दी गए, वहाँ भी बोले। चल रही है 3 से 4 बार कुछ नहीं किया है, बार बार लेके भाग गया होगा, लड़की का केस है, यही सब घूमना किया गया है, उससे कोई सुध नहीं हो रहा है। करेंगे हम लोग हम लोग को गुमराह किया। पुलिस सिर्फ गुमराह करने के काम की है। और आज देखिए डेड बॉडी मिला है, परिजन यहाँ पे है, मैं उनके भाई से बात करूंगा। बोलिए क्या नाम हुआ भाई आपका? कमर अहमद। इसको गुमराह करने का काम किया गया, पुलिस ऐसा कुछ नहीं किया है, खाली टाइम लॉस कर रहा है। लड़की का मामला होगा, लड़का जवान है, लड़की लेके भाग गया होगा, लड़की लेके भाग गया होगा, ये सब मामला कहीं सीरियस नहीं लिया। नेगेटिव पॉइंट कभी भी लेके नहीं चला, वो सीधा पॉजिटिव पॉइंट लेकर चला। बड़का तालाब को चेकिंग करवाया जाए, कभी नहीं करवाया। हम लोग आके पर्सनल चेक करवाए, सीसीटीवी कैमरा का फुटेज हम लोग सारा निकाला है। पुलिस सिर्फ गुमराह करने की काम की है, काफी परिजनों ने खोजबीन किया, लेकिन पुलिस का कहीं भी कोई रोल, कोई मदद किसी भी तरीका का नहीं मिला। उसकी माँ का कहना है, सीसीटीवी कैमरा का जितना भी फुटेज आज तक हम लोग निकाले, बहल्ला का जितना, लड़का लोग सब रिलेशन जितना भी हम लोग खानदान का लोग वही लोग, पुलिस को एक भी बता दे, एक भी फुटेज नहीं निकाला। अगर हम लोग बोले जो बड़ा बड़ा सा वाइपर राइड जैसा जो लगा हुआ था हमें 2-3, उसको जाकर के कंट्रोल रूम जहाँ से होता, तो ऐसे नहीं होता मैडम, ऐसे करिए। हम लोग का प्रोसेस कुछ और है, नहीं जाएंगे आप लोग बोलिएगा तो नहीं जाएंगे। बड़ा बाबू को वही तो रिकॉर्डिंग कहाँ है जो मेरे पास सुनने का काट दिए, जहाँ पे हुआ है जो निकला है वहाँ पर हम लोग जाके कितना बोला, तो कहाँ से लोग एक्शन किया। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति के काम की है और परिजनों को किया है गुमराह। दूसरा ढूंढ रहे थे, मैं भी आपके साथ था, क्या क्या इसमें क्या आपको लगता है, क्या इसका मर्डर हुआ है? इंडिया का कोई ऐसा कैमरा नहीं छोड़े, हर जगह हम लोग जब हम लोग उसके बाद हम लोग पीछे से दिखाई दिया, उसके बाद लेफ्ट गया कि राइट गया, उस वक्त हम लोग प्रशासन को बोले। लारे वारिफ के परिजनों का कहना है कि 4 दिन खोजेगा, हत्या की गई है और मार के फेंक दिया गया है। मैं उनके भाई से बात करूंगा कि आखिर क्यों, क्या मतलब, ऐसा क्या आपको लगता है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या उसका बॉडी नहीं था, देखा सिर्फ फोन पचेगा नहीं, इसका मार के फेंक दिया, फोन पॉकेट में डाल दिया, किसी आत्महत्या करा दिया जाए, फोन पॉकेट में ही मिला है। क्या कुछ हुआ बात उनसे, मैं उनसे जानना चाहूंगा। प्रकाश सर जो है DSP रांची, वो उनको बुलाए थे, क्या कुछ बात हुई है, मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या बात हुई है अंदर में। उनका बात करने का औकात ही नहीं मेरे से, और हम चाहते भी नहीं कि ऐसा लोग से बात करें, हम क्या करें, हम तो इज्जत दिया जा रहा है। बैठिए मैम, आगे वाली चेयर में आके बैठिए, आप भी कुछ ना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना, तो वो गलत हो रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि आप लोग एक्टिव हो जाइए, हम तो चाहेंगे कि आप खुद चक्का जाम करें, आप लोग एक्टिव हो, अपना काम करिएगा आप लोग, क्योंकि काम करिएगा आप लोग। आई डोंट नो टॉक विद यू, मेरे हस्बैंड आएंगे, आप बात कर लीजिए। उनकी मम्मी का कहना है कि पुलिस कोई भी तरह का काम नहीं किया है, ना खोजने का, सिर्फ पब्लिक को और उनके परिजनों को किया है परेशान और गुमराह। यहाँ थाना का नहीं है, बाहर थाना का नहीं है, आज थाना में कैसे लोग एक्ट करो, पता नहीं, लिखो, जांच पड़ताल करो। अगर 4 आदमी आता ना लाश लेकर के तो करता, आज तो ऐसा बवाल हुआ है तो डायरेक्ट ऑफिस में घुसा रहे हैं आप, मेरी औकात है क्या?
सही कहना है इनकी मम्मी का।